गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार काम मैं लेके आई हूँ। आज जब आप टीवी पे अपना मनपसंद कार्यक्रम देखो तो आपको बैठ के ऐड गिनने हैं, कितने ऐड आए। तो जब भी ऐड आए तो आपको उसको टेलीचिन की सहायता से दर्शाते जाना है। तो जब पहला ब्रेक आए तो उसके लिए एक टेलीचिन आते हैं ना हमें मनाने, दूसरे ब्रेक के लिए ऐसे, तीसरे ब्रेक के लिए ऐसे, और चौथे ब्रेक के लिए ऐसे, और पांचवा आ जाए तो ऐसे। इसी तरह से छठे के लिए ऐसे, फिर सातवां ऐसे, आठवां ऐसे, नौवां ऐसे, और दसवां ऐसे, फिर ग्यारहवें के लिए फिर वैसे ही एक। तो जब मैंने कोई टीवी प्रोग्राम देखा तो उसमें पहली बार जो ब्रेक आया उसमें 11 एड्स थी, तो मैंने उसको टेलीचिन की सहायता से लगाती गई और मेरे लिए आसान हो गया, 5 और 5 10 और 1 11। फिर दूसरा ब्रेक आया, दूसरी बार ब्रेक आया उसमें थोड़ी सी ऐड लंबी थी, तो 1 2 3 4 5, ये क्या है, टेलीचिन है। 6 7 8 9 10, तो अब हो गई, दूसरे ब्रेक में आई 10 एड्स। तीसरा ब्रेक आया फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऐड आई। तीसरा ब्रेक आया फिर 1 2 3, चौथा ब्रेक 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 हो गई। ओ राम, इतनी सारी ऐड, इस तरह से मैंने एड्स गिन ली। आपको भी अपना कोई भी टीवी प्रोग्राम देखते हुए इस तरह से एड्स की संख्या को गिनते जाना है और लिखते जाना है। इसको टेलीचिन की सहायता, इन्हें क्या बोलेंगे हम, टेलीचिन है ये, ठीक है, इनकी सहायता से। तो अब फिर कुल ऐड गिने, 4 और 8 12 12 और 1 13, 1 2 3 और 1 4, 43 ऐड्स आई। तो इस तरह से हमने आसानी से गिन ली। इसी तरह से आपको भी यही कार्य करना है, ऐड्स गिननी है और उनको टेलीचिन की सहायता से दर्शाना है, ठीक है बच्चों। बहुत इंटरेस्टिंग सा काम है, आपको टेलीचिन भी बनाने आ जाएंगे और आपका टीवी प्रोग्राम भी देखा जाएगा आराम से। सभी बच्चे इस काम को करें, ठीक है। ऐसे ही टेबल बनाना है और उसमें टेलीचिन के लिए पहली लाइन ब्रेक्स के लिए, फिर दूसरी लाइन टेलीचिन के लिए और तीसरी लाइन संख्या, इन टेलीचिन्स को गिन के लिखना है, 5 और 5 10 और 1 11, पूरा हो जाए ना एक चिन्ह तो वो 5 होता है। इसमें 5 और 5 10, इसमें 5, ये पूरा नहीं लग रहा है तो इसको गिनना पड़ेगा, 1 2 3, 5 और 3 8, 5 और 5 10, ये भी पूरा नहीं लग रहा है, 1 2 3 4 14। इसी तरह से करें सभी।